Hi everyone, today we will discuss about separation by distillation. आज हम लोग distillation technique का use करेंगे, ठीक है ना? So our heading is separation by distillation. अब देखिए distillation technique का use करके हम लोग separation करते हैं. तो अब देखिए डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग को सेपरेट कर सकते हैं ई वेपरेशन मेथड का भी यूज करके. जैसे हमारे पास क्या है, सॉल्ट वाटर है. अब सॉल्ट वाटर से सॉल्ट का हम लोग डिफाइन सॉल्ट कहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, ई वेपरेशन मेथड का भी यूज करके कर सकते हैं. बट ई वेपरेशन टेक्निक में सॉल्ट तो मिल जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है. बट जो डिस्टिलेशन मेथड होता है उसमें सॉल्ट और वाटर दोनों को हम अलग कर सकते हैं. सो वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर और इसी को सॉल्ट सॉल्यूशन बोल दीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, बाय इवेपोरेशन. बट क्या हो जाएगा, वाटर आपका रिकवर नहीं हो पाएगा. बट वाटर कैन नॉट बी रिकवर्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो वाटर है वो रिकवर नहीं हो पाता है इवेपोरेशन में, ठीक है ना. सो इट इज लॉस्ट इन टू द एयर ये एयर में आपका क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाएगा. देन इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ, अब दोनों को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मतलब सॉल्ट एज वेल एज वाटर. इसमें क्या होना है, सॉल्ट और वाटर दोनों रिकवर करेंगे तो इसमें कौन सा फिर डिस्टिलेशन यूज करेंगे, तो फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर जिसको आप सॉल्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड. अब देखिए डिस्टिलेशन में हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक में क्या होता है, जो लिक्विड है इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करते हैं. आफ्टर हीटिंग वी फाइंड वेपर जिसको आप गैस भी बोल सकते हो, वेपर और गैस, ठीक है. और जब इसको आप कूलिंग करेंगे, इसका ठंडा करेंगे, तो आपको रिवर्स में यही मिल जाता है. सो ये जो आपको लास्ट में वेपर मिल रहा है, इसको जब ठंडा और करेंगे तो ये लिक्विड में बदल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट बोलते हैं. सो द लिक्विड ऑब्टेंड बाय कंडेंसिंग जी वेपर, इट मीन जो आपको लिक्विड मिला है वेपर को कंडेंस करने से क्या बोलेंगे, डिस्टिलेट बोलते हैं, कॉल्ड डिस्टिलेट, ठीक है. तो ये हो गया डिस्टिलेशन.
अब देखिए हम लोग एक ऐसा मिक्सचर लेते हैं जिसे हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे टू सेपरेट दिस सॉल्ट वाटर मिक्सचर। ठीक है, साल्ट वाटर मिक्सचर को अब हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक फ्लास्क लेना है जिसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोला जाता है। ये आपका रहा डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, और इस फ्लास्क में हम लोग एक थर्मामीटर ऐड कर देते हैं। और इसको फिर हम लोग फिट कर देते हैं इस टाइप से। देन इसमें आपका मिक्सचर हो जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन डिजिटल फ्लास्क। ये आपका थर्मोमीटर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से वेपर रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे, एक कंडेंसर लगाते हैं। ये हो जाएगा इस टाइप से आपका कंडेंसर। और यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टर लगा देंगे। ठीक है, जिसमें कलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड पे यहाँ बेस्ट करेंगे। यहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड हो गया है, और इसमें आप ऊपर आयरन गेज लगाएंगे। ये आपका आयरन गेज हो गया है। यहाँ पर एक हम लोग बर्नर का यूज करेंगे जिससे इसको हीट करेंगे। देन अब जब इसको हीट करेंगे तो वेपरेट हो जाएगा ये सॉल्यूशन, वेपर आपका निकल के इधर से जाएगा। और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या होता है, वाटर होता है, ये सब आपके क्या होते हैं, वाटर होते हैं। यहाँ से वाटर फिल एंड इन एयर आउट होता है। अब देखिए ये वाटर इस वेपर को ठंडा कर देगा, ठंडा कर देगा तो ये वाटर आपका इसमें कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, और इसी यही जो वाटर कलेक्ट हो रहा है इसी को आप बोलते हैं डिजिटल वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा है, और ये क्या है, एक बीकर है। सो डिस्टिलेशन में आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या नाम है, टू सेपरेट द सॉल्ट वाटर मिक्सचर। ठीक है, सॉल्ट वाटर मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करके। सो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।